जुर्म की दुनिया हो या राजनीति के गलियारे या फिर कोई बड़ा कारोबार, हर जगह बाहुबलियों का असर दखल दे रहा है। सत्ता से जुड़े लोग भी इनके प्रभाव से बच नहीं सके हैं। बिहार की सियासत में बाहुबलियों की दास्तान पुरानी है। बाहुबल के जरिए सत्ता के गलियारे तक पहुंचने का किस्सा किसी से छिपा नहीं है। बिहार में हर पार्टी और हर जाति के अपने अपराधी रहे हैं। पार्टी और समुदाय ने उन्हें जब तब नायक का दर्जा दिया, उनका महिमा मंडन किया, लेकिन उसका खामियाजा राजनीति और राज्य को भुगतना पड़ा। उनमें बेशक कोई क्रूर नहीं रहा हो, लेकिन बाजुओं के जोर पर इलाके में उनकी धमक रही है। अपने उस धमक को बरकरार रखने के लिए वे राजनीति का चोला पहन लिए। एक दौर ऐसा भी था जब वे राजनीति के पर्याय जैसे हो गए थे, लेकिन हर वक्त बराबर नहीं होता। कुछ बाहुबलियों और उनके परिजनों को जनता ने खुद मैदान में धूल चटा दी, तो कुछ सांसद सलाखों के पीछे अपने किए कराए की सजा काटने पहुंचा दिए गए। इतिहास के पन्ने पलटिए तो जान पड़ेगा कि संसदीय राजनीति में मध्यकाल में दबंगों का प्रवेश होता है, जो आज तक बदस्तूर है। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं की पैठ शुरुआती दौर में ही हो गई, लेकिन 80 के दशक से वह परवान चढ़ने लगी। कई दबंग तो दहशत के दम पर सदन तक पहुंच गए, और अदालत ने इंसाफ किया तो पत्नी और बच्चों को विरासत सौंप दी गई। राहत मिली तो फिर अखाड़े में आ धमके। तो आइए जानते हैं उन चेहरों के बारे में जो राज्य में सियासत की अगली पटकथा के पात्र हो सकते हैं। काली पांडे। 1984 में काली पांडे गोपालगंज के मैदान में उतरे तो बड़े बड़ों की सांसें फूलने लगी थी, और वह भी तब जब काली पांडे के साथ कोई पार्टी नहीं थी। वे निर्दलीय चुनाव लड़े और संसद पहुंच गए। उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। शहाबुद्दीन, सूरज भान, आनंद मोहन, पप्पू यादव, प्रभुनाथ सिंह भी इसी कतार में खड़े हो गए। संसद पहुंचने के लिए दलीय निर्दलीय की सीमा नहीं रही। अब जब अदालत ने हस्तक्षेप किया तो भी दबंग अपनी सियासत के लिए जुगाड़ कर लिए। चुनाव मैदान में परिजनों को उतार दिए। अब देखना यह होगा कि मतदाता उनके साथ क्या सलूक करते हैं। बॉलीवुड भी जानता है काली पांडे की करामात। 1984 में कांग्रेस की लहर चल रही थी, उसके बावजूद निर्दलीय काली पांडे गोपालगंज में बाजी मार ले गए। मुख्य मुकाबले में लोकदल के नगीना राय रहे। काली के दबदबे का डंका बॉलीवुड तक बजने लगा था। राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर आधारित फिल्म प्रतिघात की खलनायक काली की भूमिका पर आधार मानकर तैयार की गई थी। वैसे काली का जलवा ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहा। 1984 की जीत उनकी पहली और आखिरी जीत रही। उसके बाद भी वे लगातार 4 चुनाव दल बदलकर लड़ते हारते रहे। काली अभी लोजपा पार्टी में है। मैदान जंग के महारथी डॉक्टर सुरेंद्र यादव जहानाबाद से राजद के प्रत्याशी हैं। वे अभी विधायक हैं। वहीं तिहाड़ जेल के भीतर सिंह ढूंढ रहे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सिवान से चुनावी मैदान में है। टिकट राजद का है। तो वहीं मुकाबले में जदयू ने कविता सिंह को खड़ा कर दिया है। अजय सिंह की पत्नी कविता अभी विधायक है। महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह अभी हजारीबाग की काल कोठरी में कैद हैं। अपनी विरासत का बोझ वे पुत्र रणधीर के कंधे पर डाल गए हैं। सूरजभान लोजपा की राजनीति करते हैं। हत्या के जुर्म में कोर्ट ने प्रतिबंधित किया तो पत्नी वीणा देवी को लोकसभा पहुंचा दिए। इस बार भाई चंदन को नवादा के मैदान में भी ले आए हैं। जरूरी नहीं कि बाहुबलियों को जनता पसंद ही करे, दरकिनार भी करती है। ऐसा नहीं कि हर बार या हर बाहुबली संसद ही पहुंच जाए। कई उदाहरण हैं जब जनता ने उन्हें नकार दिया। वैशाली में मुन्ना शुक्ला गच्चा खा गए। उसके बाद वे पत्नी अनु शुक्ला को मैदान में उतारे। जनता को वो भी पसंद नहीं आई। मुन्ना शुक्ला 2 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक अवनीश सिंह पर जदयू ने पिछले साल चुनाव में दांव लगाया था। पूर्वी चंपारण में वे खूब जोर लगाए, लेकिन दिल्ली जाने की हसरत धरी की धरी रह गई। उसके बाद वे विधानसभा चुनाव में उतरे ही नहीं, लिहाजा उनका पटना का रास्ता भी बंद हो गया। हर दूसरे सांसद पर अति नींदनीय अपराध के मामले दर्ज। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में चुने गए 38% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में यह संख्या 42% हो गई और 2014 में 70%। 2004 में 25% सांसदों पर जघन्य अपराध के मामले लंबित थे। 2009 में ऐसे मामलों वाले सांसदों की संख्या 14% पर आ गई। उम्मीद थी कि नतीजे आगे और बेहतर होंगे, लेकिन 2014 में हर दूसरे सांसद पर जघन्य अपराध के मामले दर्ज मिले।
70% सांसद ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मामला अदालत में विचाराधीन है। आपराधिक छवि वाले सांसदों में बिहार आगे। बिहार के सांसदों और विधायकों के खिलाफ देश में 260 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है और केरल तीसरे पायदान पर है। 2018 में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह ब्यौरा प्रस्तुत किया जा चुका है। मालूम हो कि बिहार में चार बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा, जदयू, राजद और कांग्रेस। इन पार्टियों में आपराधिक छवि वाले सांसदों का बोलबाला है। भाजपा, वर्ष 2004 लोकसभा में उनके 60% सांसद आपराधिक छवि वाले थे। 2009 में ऐसे सांसद 10% कम हो गए, लेकिन 2014 में यह संख्या 68% हो गई। जदयू, 2004 में लोकसभा में उनके 17% सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2009 में यह संख्या 39% हो गई। 2014 में उसके 50% सांसद आपराधिक मामलों में आरोपित हैं। राजद, आपराधिक छवि वाले सांसद राजद में सबसे अधिक हैं। 2004 में 46% से बढ़कर ये संख्या 2009 में 50% हो गई। 2014 में सीधे दोगुना, यानी कि 100% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाहुबलियों की लिस्ट में एक नाम पप्पू यादव का भी है। पप्पू यादव बुरे फंस चुके हैं। आम चुनाव से ठीक पहले एक टीवी स्टिंग राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल हाल ही में लॉन्च एक हिंदी न्यूज चैनल ने स्टिंग कर दावा किया है कि उन्होंने 18 सांसदों का काला सच सामने रखा है। स्टिंग की शुरुआत बिहार की जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नेता और चर्चित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से होती है। टीवी 9 भारतवर्ष एक हिंदी न्यूज चैनल है जिसके स्टिंग में पप्पू यादव चुनाव लड़ने में खर्च होने वाली मोटी रकम का विस्तृत ब्यौरा देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर पिछले चुनाव में 5-6 करोड़ रुपए खर्च हुआ है तो इस बार 7-8 करोड़ रुपए खर्च होगा। पप्पू ने माना है कि चुनाव में 2-2.5 करोड़ रुपए तक तो कैश ही बांटना पड़ता है। इसके अलावा चुनाव के दौरान दौड़ भाग में 1-1.25 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा चुनावी खर्च में मदद की भी पेशकश की गई। चैनल का दावा है कि पप्पू चुनावी फंडिंग के बदले हर मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। सांसद पैसे लेकर संसद में कोई भी सवाल पूछने के लिए भी राजी नजर आए। अब आपको बताते हैं बिहार से संसद पहुंचने वाले वे दबंग नाम। काली पांडे, गोपालगंज से निर्दलीय 1984। मोहम्मद शहाबुद्दीन, सिवान से राजद 1996। आनंद मोहन, शिवहर से 1996। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्णिया से राजद 1991। प्रभुनाथ सिंह, महाराजगंज से समता पार्टी 1998। सुरेंद्र यादव, जहानाबाद से राजद 1998। सूरजभान सिंह, बलिया से निर्दलीय 2004। रमा सिंह, लोजपा से वैशाली 2014। अब एक नज़र डाल लेते हैं इस बार के दबंगों पर जो चुनावी अखाड़े में अपना दांव दिखाएंगे। सिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब राजद से और अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह जदयू से। नवादा में राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी राजद से। महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह राजद से। मुंगेर में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस से। सुपौल में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस से। शिवहर में ब्रिज बिहारी प्रसाद की विधवा रमा देवी भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।